Assalamualaikum. आज हम लोग फर्स्ट ईयर फिजिक्स के पास्ट पेपर सॉल्व करेंगे. बारी है 2014 के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने की. क्वेश्चन नंबर टू का पार्ट वन, चैप्टर नंबर फाइव का ही न्यूमेरिकल है. एक पार्टिकल है, उसका मास है 500 ग्राम, रोटेट्स इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 25 सेंटीमीटर एट अ कॉन्स्टेंट रेट ऑफ 1.5 रेवोल्यूशंस पर सेकेंड. सो फाइंड द एंगल ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ द ऑर्बिट. एंगल ऑफ मोमेंटम फाइंड करना है. डेटा बना लेते हैं. पार्टिकल का मास 500 ग्राम डिवाइड बाई 1000, 0.5 kg. अच्छा, रेडियस है 25 सेंटीमीटर, सो डिवाइड बाई 100, 0.25 मीटर. एंगुलर वेलोसिटी एक्चुअली हमें गिवन है, रेवोल्यूशन पर सेकंड से पता चला. सो 1.5 रेवोल्यूशन पर सेकंड रेडियन में कन्वर्ट करेंगे. सो वन रेवोल्यूशन में 2 पाई रेडियन होते हैं. सो 1.5 रेवोल्यूशन को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 2 पाई करवाएंगे, तो हो जाएगा 3 पाई रेडियन पर सेकंड. ठीक है, पाई की वैल्यू पुट नहीं करी, इसको आखिर तक लेके चलेंगे, बाद में पुट कर देंगे. या अभी भी पुट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. 3 पाई रेडियन पर सेकंड एंड वी हैव टू फाइंड द एंगुलर मोमेंटम. फॉर्मूला एंगुलर मोमेंटम का, एल इज इक्वल टू एम वी आर, मास इंटू वेलोसिटी इंटू आर. बट प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे हमें वेलोसिटी नहीं गिवन है, बल्कि हमें एंगुलर वेलोसिटी गिवन है. तो एंगुलर वेलोसिटी और वेलोसिटी फाइंड तो कर सकते हो ना. वी और आर को देखो, वी की जगह पे वैल्यू पुट करो. जो वी बराबर होता है, वी बराबर होता है आर ओमेगा के. सो वी की जगह पे हम पुट करेंगे आर ओमेगा. आर एज इट इज़ है, तो आर इंटू आर ये हो जाएगा आर स्क्वायर. तो एक फॉर्मूला एंगुलर वेलोसिटी के टर्म्स में ये भी है. अगर डायरेक्टली ये ड्राइव किया हुआ है तो इसको डायरेक्टली भी आप लोग लिख सकते हो. मैंने समझाने के लिए एम वी आर से स्टार्ट किया था. सो एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा, एम की वैल्यू आर का स्क्वायर और ओमेगा. ओमेगा था 3 पाई. नाउ ये आ गई 3 की वैल्यू और ये आ गई पाई की वैल्यू, यानी कि 3.142. और सॉल्व करने के बाद एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा 0.294 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड. सो जो एंगुलर मोमेंटम होगा उस पार्टिकल का, वो 0.294 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड होगा. क्वेश्चन नंबर टू का पार्ट फोर, एक कार स्टार्ट हो रही है रेस्ट से. ये हमारा एक सॉल्व्ड एग्जांपल है, उसी से रिलेटेड है. कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मूव करती है, रेस्ट से स्टार्ट हो रही है और चौथे सेकंड में, ड्यूरिंग द फोर्थ सेकंड, जब चौथा सेकंड चल रहा था तो उसने कवर करा 24 मीटर का फासला चौथे सेकंड में. कैलकुलेट द एक्सेलरेशन एंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार ड्यूरिंग दिस टाइम. टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ होगा 4 सेकंड में और एक्सेलरेशन कितना था वो मालूम करना है. सो वी आई में पता है 0 है, एक्सेलरेशन ए फाइंड करनी है. डिस्टेंस ड्यूरिंग फोर्थ सेकंड, चौथे सेकंड में, वो S4 माइनस S3 होगा, जो कि हो जाएगा 24 मीटर्स गिवन है. और हमें टोटल डिस्टेंस 4 सेकंड में पता करना है, जो कि खुद S4 के बराबर है. अब मेरी बात समझो. फॉर एग्जांपल, एक बॉडी ट्रैवल करती है इस रास्ते पर, ठीक है. ये हो गया उसका स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कितने सेकंड हो गए, ये हो गया 0 सेकंड. फिर एक सेकंड बाद वो बॉडी यहाँ पहुँच जाती है, 2 सेकंड बाद वो बॉडी इधर पहुँच जाती है, 3 सेकंड बाद वो बॉडी इधर पहुँचती है, 4 सेकंड बाद वो बॉडी इधर पहुंच जाती है. अब यहाँ पे ये बात क्या कह रहे हैं, पहला सेकंड चलेगा 0 से लेके 1 तक, ये है पहला सेकंड. दूसरा सेकंड होगा 1 से लेके 2, तीसरा सेकंड होगा 2 से लेके 3, और इसी तरीके से चौथा सेकंड चलेगा 3 से लेके 4 तक. बात समझे, 0 से लेके 1 पहला सेकंड, 1 से लेके 2 दूसरा सेकंड, 2 से लेके 3 तीसरा सेकंड, और 3 से लेके 4 चौथा सेकंड. तो अगर मान लेते हैं कि 3 सेकंड में जो उसने फासला तय किया यहाँ तक का, वो बराबर है S3 के, ठीक है. और 4 सेकंड बाद जो उसने टोटल फासला तय कर लिया था यहाँ तक का टोटल, वो किसके बराबर है, वो बराबर है S4 के. S3 है 3 सेकंड में जो फासला तय हुआ और S4 है 4 सेकंड में. तो फिलहाल जो हमें गिवन है ना, वो हमें यहाँ से यहाँ तक का गिवन है, यानी कि जब चौथा सेकंड चल रहा था. चौथे सेकंड का मतलब तीसरे से, यानी 3 सेकंड मुकम्मल होने के बाद से लेके 4 सेकंड से पहले पहले तक का. इसी वजह से यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ये पूरी वैल्यू S4 में से S3 को माइनस करके आ सकती है, यानी कि 3 से लेके 4 तक. सो चौथा सेकंड जो है वो S4 माइनस S3 होगा और वो गिवन है 24 मीटर. और भी फाइनली हमें ये भी पता करना है कि इस पूरे फासले में, यानी कि 4 सेकंड के अंदर, कितना डिस्टेंस कवर किया उस कार ने, ये भी पता करना है. सो सबसे पहले मालूम कर लेते हैं. देखो, हमें टेक्निक ये इस्तेमाल करनी है, एक मरतबा S4 निकाल लेंगे, एक मरतबा S3 निकाल लेंगे, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करा देंगे और फिर इजीली आंसर आ जाएगा. तो सबसे पहले T की जगह पे 4 सेकंड पुट करते हैं.
एस सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन के मुताबिक सॉल्व हो सकता है। डेटा जो नज़र आ रहा है वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सो टी की जगह पे 4 पुट करना है, वी आई तो 0 है तो वी आई इंटू टी भी 0 हो गया, टाइम की जगह पे 4 आया, 4 का स्क्वायर 16 डिवाइड बाई 2 ये हो जाएगा 8 ए के बराबर, ये आ गया हमारे पास एस 4 यानी कि 4 सेकेंड में जो फासला तय होगा। दिस इज आर इक्वेशन नंबर 1। अब टी की जगह पे 3 पुट करके देख लेते हैं, 3 पुट करेंगे तो सेम इक्वेशन के अंदर वी आई टी 0 हो गया दोबारा से, टी की जगह पे 3 आ गया, 3 का स्क्वायर 9, 9 डिवाइड बाई 2 4.5 ए, ये 4 सेकेंड का फासला, ये 3 सेकेंड का फासला, और हमें दोनों का डिफरेंस गिवन था एस 4 माइनस एस 3। तो इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 को माइनस कराएंगे, एस 4 माइनस एस 3 यानी कि 8 ए में से 4.5 ए निकाल देंगे, तो आंसर आएगा 3.5 ए, और एस 4 और माइनस एस 3 डेटा में ही गिवन है 24 के बराबर। फाइनली क्योंकि ए की वैल्यू निकालनी है 3.5 जो है वो 24 के साथ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 6.85 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और जैसे ही एक्सेलरेशन आ गई है तो एस 4 के लिए हमारे पास एक इक्वेशन थी उसी से सॉल्व कर लेते हैं, ये वाली जो इक्वेशन है ना 8a, इसी से हम एस 4 भी मालूम कर सकते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, हम इक्वेशन नंबर 1 के अंदर वैल्यू पुट करेंगे, तो एस 4 जो कि 8a के बराबर था, 8 इंटू ए यानी कि 6.85 हो जाएगा 54.8 मीटर्स, दोनों आंसर्स आ गए, एक्सीलरेशन भी आ गई बॉडी की और जो डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया होगा 4 सेकेंड में वो भी आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 6, एक स्ट्रिंग है जो कि 2 मीटर लंबी है और उसका मास गिवन है, रस्सी का मास गिवन है 0.004 kg, स्ट्रेच किया गया है हॉरिजॉन्टली और फिर उसको पास किया गया एक फ्रिक्शनलेस पुली पर से और अटैच किया उससे 1 किलोग्राम मास वर्टिकली टू इट। तो आप समझ जाइए कि तकरीबन ये जो सिचुएशन नज़र आ रही है ये सोनोमीटर वाली है, तो फार्मूला भी सोनोमीटर वाला ही होगा। फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव, जो रस्सी में ट्रांसवर्स वेव बनेगी वो फाइंड करनी है उसकी स्पीड, और फिर जो सेकेंड और फोर्थ हार्मोनिक है उसकी फ्रीक्वेंसी भी फाइंड करनी है। लेंथ 2 मीटर है, मास ऑफ स्ट्रिंग स्मॉल एम से शो होता है 0.004 kg, मास अटैच टू द स्ट्रिंग कैपिटल एम 1 kg, वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव वी, सेकेंड हार्मोनिक एफ 2 और फोर्थ हार्मोनिक हो जाएगा एफ 4 के बराबर। ओके, तो फॉर्मूला हमें पता है सोनोमीटर का, वी इज इक्वल टू अंडर रूट टेंशन अपॉन म्यू भी लिख सकते हैं इसको, लेकिन वही टेंशन एम जी के बराबर होती है और म्यू यानी कि लीनियर डेंसिटी बराबर होती है मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो डायरेक्टली इस फॉर्मूले को याद रखिएगा और बेहतर ये कि जब आप ड्राइव भी कर रहे हो सोनोमीटर के अंदर तो इस तरीके से लिख देना ताकि फॉर्मूला अप्लाई करने में आसानी हो। सारी वैल्यूज हमें गिवन है, कैपिटल एम 1 है, जी 9.8, मास ऑफ स्ट्रिंग 0.004 डिवाइड बाय लेंथ यानी कि 2, सॉल्व करने के बाद आंसर आ जाएगा 70 मीटर पर सेकेंड। नाउ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूले को इस्तेमाल कर लेते हैं, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बराबर होती है एन वी ओवर 2L। वैसे तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एफ एन इज इक्वल टू एन एफ वन होती है और ये एफ वन का ही तो फार्मूला है वी ओवर 2L, तो ये वाला फार्मूला भी आप देखोगे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी वाली डेरिवेशन में मौजूद होगा, एन वी ओवर 2L, एन नंबर ऑफ लूप्स क्योंकि सेकेंड हार्मोनिक है तो 2 लूप्स बन रहे होंगे, लेंथ हमें पहले से 2 गिवन है 2 आ गई और स्पीड हम लोग 70 निकाल चुके हैं, सो 2 से 2 हो गया कैंसिल, 70 डिवाइड बाई 2 ये होता है 35 हर्ट्स सेकेंड हार्मोनिक। नाउ सिमिलरली वी विल फाइंड द फोर्थ हार्मोनिक, और फोर्थ हार्मोनिक में सिर्फ n की जगह पर आ जाएगा 4, तो यहाँ पे 2 2s आर 4 और 4 से 4 हो जाएगा कैंसिल, तो हमारे पास फोर्थ हार्मोनिक का आंसर आ जाएगा 70 हर्ट्स। वेलोसिटी भी आ गई और दोनों फ्रीक्वेंसीज भी आ गई, सेकेंड हार्मोनिक की भी और फोर्थ हार्मोनिक की भी। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 8, ग्रीन लाइट है उसकी वेवलेंथ गिवन है 5400 एंगस्ट्रॉम और डिफ्रेक्ट हो रही है बाय डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग, 2000 लाइंस पर सेंटीमीटर गिवन है उसमें, कंप्यूट द एंगुलर डेविएशन, जो एंगुलर डेविएशन एंगल फाइंड करना है ऑफ द थर्ड ऑर्डर इमेज, तीसरे ऑर्डर का, ऑर्डर का मतलब एम की वैल्यू 3, वेवलेंथ 5400 एंगस्ट्रॉम यानी कि एंगस्ट्रॉम का मतलब 10 रेज टू द पावर माइनस 10 होता है, तो ये हो जाएगा 5.4 एक्सपोनेंट माइनस 7 मीटर्स, एंगल फाइंड करना है नंबर ऑफ लाइंस पर सेंटीमीटर जिसे हम एन से शो करते हैं वो गिवन है 2000 लाइंस पर सेंटीमीटर। तो भाई प्रॉब्लम ये है कि हमें एंगल मालूम करने से पहले ग्रेटिंग एलिमेंट निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग का फॉर्मूला पता है एम लैम्डा इज इक्वल टू डी साइन थीटा, तो डी जब तक नहीं पता होगा यानी ग्रेटिंग एलिमेंट नहीं पता होगा हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते। सो लेंथ ऑफ ग्रेटिंग डिवाइड बाई नंबर ऑफ लाइंस इसका फॉर्मूला होता है, लेंथ ऑफ ग्रेटिंग 1 सेंटीमीटर गिवन है क्योंकि जो लाइंस है वो पर सेंटीमीटर ही हैं, सो 1 आ गया और नंबर ऑफ लाइंस 2000 है, तो आंसर आ जाएगा 5 एक्सपोनेंट माइनस 4 सेंटीमीटर्स। बट
हमें आंसर चाहिए मीटर्स में, सो मीटर का मतलब सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए 10^-2 और लिखेंगे तो जाएगा 5 × -6 मीटर्स, यानी कि समझ लो हमने क्या किया है, हमने डिवाइड बाय 100 किया है तो वो हो जाएगा 5 × -6 मीटर्स। जैसे ही हमारे पास आ गया ग्रेटिंग एलिमेंट तब तो फॉर्मूला तो हमें पता है डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का, एम लैम्डा बराबर होता है डी साइन थीटा के, थर्ड ऑर्डर है एम, लैम्डा भी गिवन है, डी की वैल्यू आ गई साइन थीटा एज इट इज, 5 × -6 दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगा, आंसर आ जाएगा 0.324, ये आंसर साइन थीटा का है। थीटा निकालना है तो इन्वर्स लेना पड़ेगा, साइन इन्वर्स 0.324 18.9 डिग्रीज, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो थर्ड ऑर्डर था उसकी एंगुलर डेविएशन होगी 18.9 डिग्रीज। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 9, अ मॉर्टर शेल इज फायर्ड एट अ ग्राउंड लेवल टारगेट ऑफ 400 मीटर, दूर है एक टारगेट जिसमें मॉर्टर शेल फायर किया हमने और इनिशियल वेलोसिटी गिवन है 85 मीटर पर सेकंड, कैलकुलेट द मैक्सिमम टाइम टू हिट द टारगेट, बस यही चेंज है इस न्यूमेरिकल में, बाकी हमारे बुक वाले न्यूमेरिकल की तरह जा रहा था ये, क्योंकि बुक वाले न्यूमेरिकल में रेंज निकालनी थी, यहाँ पे रेंज गिव निकालनी तो पड़ेगी लेकिन लिखा हुआ नहीं है, यहाँ पर हमें मालूम करना है मैक्सिमम टाइम जो कि टारगेट को हिट करने में लगेगा। अब ये मैक्सिमम मिनिमम में क्या डिफरेंस है पहले उसको समझो, याद रखो दो ऐसे एंगल्स होते हैं जिन पर रेंज सेम होती है, थ्योरी में मैंने समझाई थी ये बात कि भाई दो हमेशा ऐसे एंगल्स होते हैं, वो दोनों एंगल्स एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं, यानी कि उन दोनों को ऐड करके आंसर 90 डिग्रीज आता है तो उन पर रेंज सेम होती है। जैसे देखो इस फिगर के अंदर 20 डिग्री पर फेंकने पे इधर जाके गिर रहा है और फिर 70 डिग्री पे फेंकने पर भी इधर ही जाके गिर रहा है, और फिर वही बात है 20 + 70 कितना होता है 90, यानी कि हमेशा दो ऐसे एंगल्स होते हैं जिन पर रेंज सेम होती है। सिमिलरली 30 और 60 पर रेंज सेम है, ये वाली रेंज 30 की भी है और 60 की भी है, और 30 और 60 को ऐड करते हैं तो कितना आता है 90 ही आता है। लेकिन अब हमारे जो न्यूमेरिकल में आ रही है ना बात मैक्सिमम टाइम, याद रखो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जब ज़्यादा होता है, बड़ा जब होता है, यानी कि 20 और 70 में से गिरेगी तो बॉडी एक ही जगह पे, लेकिन जल्दी कब गिरेगी जब 20 डिग्री से फेंकेंगे, और ज़्यादा टाइम कब लगेगा जब 70 डिग्री से फेंकेंगे, तो जो बड़ा वाला एंगल होता है उसका जो टाइम होता है वो होता है मैक्सिमम टाइम, तो हमेशा उसी एंगल को रख के जो टाइम हम निकालेंगे वो मैक्सिमम टाइम कहलाएगा, और 20 को रख के अगर जब हम टाइम निकालेंगे टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट तो वो हमेशा कम आएगा, तो ये बात जहन में रखनी है, मैक्सिमम का मतलब बड़ा वाला एंगल और मिनिमम टाइम का मतलब छोटा वाला एंगल। नाउ रेंज 400 इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट 85 मीटर पर सेकेंड, मैक्सिमम टाइम कैपिटल टी, सबसे पहले हमें रेंज मालूम, एंगल मालूम करना है, एंगल आर इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी, रेंज हमें गिवन है 400 वी नॉट 85 का स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाय 9.8, रीअरेंज करेंगे 400 के साथ 9.8 मल्टीप्लाई होगा और 85 का स्क्वायर 7225 डिवाइड हो जाएगा, ये सॉल्व करके 0.542 आएगा। सबसे पहले साइन ख़त्म करना है तो साइन का इन्वर्स लेना पड़ेगा, साइन इन्वर्स 0.542 32.8, और एंगल फाइन करना है तो डिवाइड बाय 2 करेंगे, ये हो जाएगा 16.4 डिग्रीज, ये एक एंगल आया है छोटा वाला। बड़ा वाला एंगल कैसे निकाल सकते हैं, 90 में से इस एंगल को माइनस करा के, क्योंकि दोनों को ऐड करते हैं तो 90 आता है, सो 90 में से अगर ये वाला एंगल निकालेंगे तो दूसरा एंगल आ जाएगा 90 - थीटा 90 - 16.4 73.5 डिग्रीज। अब क्योंकि ये बड़ा वाला एंगल है इसी के ज़रिए मैक्सिमम टाइम आ सकता है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, 2V0 साइन थीटा ओवर जी होता है, ठीक है ना, जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला है 2V0 साइन थीटा ओवर जी, सिर्फ फ़र्क यह है कि थीटा हमने बड़ा वाला पुट करा है 73.5, V0 की जगह V0 की वैल्यू और जी की जगह जी की वैल्यू, सॉल्व करेंगे आंसर आएगा 16.6 सेकंड, तो मैक्सिमम टाइम जो लग सकता है टारगेट को हिट करने के लिए वो 16.6 सेकंड होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 10, बहुत ही कॉमन न्यूमेरिकल है ये, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर फाइंड करना है टू द प्लेन ए बी, दो वेक्टर्स हैं वेक्टर ए वेक्टर बी, ए है 2i - 3j - k और वेक्टर बी है i + 4j - 2k, इन से जो प्लेन बन रहा है उसके यूनिट वेक्टर मालूम करना है जो उसके परपेंडिकुलर हो, ए की वैल्यू बी की वैल्यू और यूनिट वेक्टर, क्योंकि परपेंडिकुलर निकालना है नॉर्मल निकालना है इस वजह से यूनिट वेक्टर n से शो करते हैं। यूनिट वेक्टर वैसे बराबर होता है वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, बट क्योंकि वो यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर चाहिए तो परपेंडिकुलर आंसर हमें मिलता है बाय टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट, इसी वजह से जो फॉर्मूला हम इस्तेमाल करते हैं
to find unit vector perpendicular वो होता है a cross b divided by a cross b का magnitude. तो इसका मतलब equation number 1 का नाम दे देते हैं इसको, ये हो गया हमारी equation number 1. दो problem है, a cross b निकालना है और उसी a cross b का magnitude निकालना है. दोनों को divide कराएंगे, answer आ जाएगा. सबसे पहले a cross b की value निकाल लेते हैं, cross product revise हो जाएगा एक मर्तबा. हम क्या करते हैं कि हम डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखते हैं i j k और फिर ये देखते हैं कि पहले कौन सा वेक्टर लिखा हुआ है. जो वेक्टर पहले लिखा होता है उसके कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं, i की वैल्यू यानी कि 2, फिर j के साथ माइनस का 3 लिखा है, k के साथ माइनस का 1 लिखा है. फिर बाद वाला वेक्टर उसके कोऑर्डिनेट्स i के साथ 1 लिखा है, j के साथ 4 लिखा है और k के साथ माइनस 2 लिखा है. एक्सपेंड करेंगे तो i को सेलेक्ट करते हैं तो i का रॉ और i का कॉलम नहीं लिखते, बाकी वैल्यूज लिख लेते हैं. दरमियान वाली जो नजर आ रही है -3 -1 4 -2. फिर j को सेलेक्ट करते हैं विद अल्टरनेट साइन यानी कि नेगेटिव साइन माइनस का j, और अब j की रॉ और j का कॉलम नहीं लिखेंगे तो j की रॉ और j का कॉलम छोड़ेंगे तो क्या बचेगा 2 1 -1 -2 2 1 -1 -2. सिमिलरली k को सेलेक्ट करेंगे, k की रॉ k का कॉलम छोड़ देंगे तो 2 -3 और 1 और 4 आएगा. फिर एक्सपेंशन बहुत ही आसान है, a into d करते हैं, दरमियान में माइनस का साइन आता है और फिर करते हैं b into c. ये a है, ये b है, ये c है, d है, तो a into d, दरमियान में माइनस का साइन, फिर b into c. सो कर देते हैं इसको एक्सपेंड फर्दर तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 2s are 6 माइनस माइनस प्लस, और फिर 4 1s are 4 माइनस का 4 आएगा जो बीच वाले माइनस साइन की वजह से प्लस का 4 हो जाएगा. 2 2s are 4 माइनस का 4, 1 1s are माइनस का 1 आना चाहिए बट दरमियान वाले माइनस की वजह से प्लस का 1 हो जाएगा. 2 4s are 8 और फिर 3 1s are 3 माइनस का 3 आएगा बट दरमियान वाले साइन की वजह से वो भी प्लस का 3 हो जाएगा. 6 प्लस 4 10 माइनस 4 प्लस 1 ये होता है माइनस का 3 बट बाहर वाले माइनस की वजह से प्लस का 3, और 8 प्लस 3 हो जाएगा 11k. जैसे ही क्रॉस बी आ गया है अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा. x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, 3 का स्क्वायर 9, 11 का स्क्वायर 121, ऐड करके आ जाएगा अंडर रूट 230. क्योंकि कंप्लीट आंसर नहीं आ रहा 230 का रूट तो फिर हमें रूट लेने की ज़रूरत ही नहीं है, ऐसे ही छोड़ देंगे और फिर इक्वेशन रख देते हैं, वैल्यूज़ रख देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में. a क्रॉस b 10i प्लस 3j प्लस 11k और a क्रॉस b की वैल्यू अंडर रूट 230 जो कि आप i, j और k के कोऑर्डिनेट्स के साथ LCM ब्रेक करके लिख सकते हैं. सो ये आ गया हमारे पास यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर दैट इज a और b के 10i प्लस 3j प्लस 11k डिवाइड बाय अंडर रूट 230. क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 12 सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन ऑफ फोर्स पता करनी है एक शख्स पर जिसका मास 80 kg है जबकि वो रेस्ट कर रहा है ग्राउंड एट द इक्वेटर, इक्वेटर पर ही मौजूद है और रेडियस ऑफ अर्थ है 6.4 × 10⁶ मीटर्स. ये भी हमारा सॉल्वड एग्जांपल है, सिर्फ मासेस चेंज होते हैं बाकी न्यूमेरिकल इसी तरीके से आता है. मास ऑफ मैन 80 kg, रेडियस ऑफ अर्थ आ रही 6.4 × 10⁶, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन जो कि कॉन्स्टेंट है हमेशा उतनी ही आती है, और सेंट्रीपेटल फोर्स पता करनी है जो कि डिपेंड करती है उस शख्स के मास पर. अच्छा जी, वैसे जो सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है v² / r वो है लीनियर वेलोसिटी के टर्म्स है. फिलहाल एंगुलर वेलोसिटी के टर्म्स वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं या डायरेक्ट अगर आपको टाइम पीरियड वाला याद है तो डायरेक्ट टाइम पीरियड वाला भी लिख सकते हो बट मैं उसको ड्राइव भी करवा देता हूँ एक तरीके से. ac = r ω² ओमेगा खुद बराबर होता है 2π/T के, ओमेगा की वैल्यू 2π/T होती है. तो हम क्या करेंगे उस वैल्यू को यहाँ पर ओमेगा की जगह पर रखेंगे, ओमेगा की जगह पर रखेंगे तो 2π/T का होल स्क्वायर आ जाएगा. ठीक है, 2π² / t² तो r अपनी जगह पे लिखा हुआ है, 2π² 4 और π² 3.14² और फिर अच्छा सारी जो बात है ना इस न्यूमेरिकल के अंदर वो ये है कि हम टाइम क्या पुट करें. बात ये है कि यहाँ पे जो कैपिटल T है वो है, और बात हो रही है सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन की यानी कि टाइम टू कंप्लीट वन रोटेशन 2π. ये जो फॉर्मूला ओमेगा का इस्तेमाल कर रहे हैं ये टाइम पीरियड वाला ही है, 2π/T कैपिटल T टाइम पीरियड है यानी कि अर्थ अपना एक रोटेशन जो कंप्लीट करती है अराउंड इट्स ओन एक्सिस वो कितनी देर में करती है, एक्चुअली वो करती है 1 day में. ठीक है, लेकिन डे को कन्वर्ट करना पड़ेगा, सबसे पहले डे को हमें सेकंड्स में लेके जाना है तो हम क्या करेंगे सबसे पहले इस डे को लेके जाएंगे आवर्स में. तो हर डे के अंदर हो गए यहाँ पर हमारे पास 24 आवर्स,
आर्ट से हमें जाना पड़ेगा मिनट्स में, और आर्ट से मिनट में जाने के लिए हर मिनट के अंदर होते हैं 60, हर आर के अंदर होते हैं 60 मिनट्स, और फिर मिनट से हमें जाना पड़ेगा सेकंड्स में, तो हर मिनट में होते हैं 60 सेकंड्स। सो 24 × 60 × 60 वो है हमारे अर्थ के स्पिन मोशन का टाइम पीरियड, और वो होता है 86,400 सेकंड्स, जो कि आप याद भी रख सकते हैं, एक दिन के अंदर 86,400 सेकंड होते हैं। इसका स्क्वायर करना भूलना नहीं है। सो एसी आ जाएगा 0.034 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और मैं बता रहा हूँ ये सारी वैल्यू कांस्टेंट है, एसी जो है ना, जाहिर सी बात है स्पिन मोशन का टाइम पीरियड चेंज नहीं होगा, और ना ही ऊपर जो सारे कांस्टेंट्स गिवन है वो चेंज होते हैं। सो एसी तो कांस्टेंट ही है, सिर्फ जो सेंट्रीपेटल फोर्स होगी वो डिपेंड करती है मास पे। एफ इजिकल टू एम ए होता है, तो एफ सी इजिकल टू एम ए सी हो जाएगा। मास है 80, एसी है 0.034, मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा 2.72 न्यूटन्स। दोनों आंसर्स आ गए, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन भी आ गई है और सेंट्रीपेटल फोर्स भी। क्वेश्चन नंबर टू का पार्ट 13 हमारे बुक का ही न्यूमेरिकल है। रेडियस ऑफ मून 27% है अर्थ के रेडियस का, और जो उसका मास है वो 1.2% है अर्थ के मास से। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पता करनी है ऑन द सरफेस ऑफ मून। ओके, रेडियस ऑफ मून 27% ऑफ आर ई। अच्छा, 27% परसेंट का मतलब होता है पर 100, सो हम लिख सकते हैं इसको 27/100, और आर ई एज इट इज़ लिखा हुआ है। सो 27/100 ये हो जाएगा 0.27, और आर ई अपनी जगह पे लिखा हुआ है। याद रखो 27% अर्थ के रेडियस का है, तो 0.27 × RE लिखा जाएगा। मास ऑफ मून एम एम से शो कर रहे हैं, 1.2% है मास ऑफ अर्थ के। फिर वो बात है 1.2% परसेंट का मतलब पर 100 डिवाइड बाई 100 0.012, और एम ई एज इट इज़ लिखा हुआ है। वैल्यू ऑफ जी पता करनी है ऑन द सर्फेस ऑफ मून, जिसको हमने शो किया है जी एम से। एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला कैपिटल स्मॉल जी बराबर होता है कैपिटल जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, बट इसी फॉर्मूले को फॉर मून लिखेंगे तो ये बनेगा कैपिटल जी एम एम यानी कि मास ऑफ मून, आर एम यानी कि रेडियस ऑफ मून। वैल्यूज पुट करेंगे, 0.012 एम ई आ गया, जो कि एम एम मास ऑफ मून था, और जो रेडियस ऑफ मून था वो था 0.27 आर ई, और होल स्क्वायर लगा हुआ था डिस्टेंस के ऊपर, वो करना पड़ेगा। कॉन्स्टेंट्स अलग, वेरिएबल्स अलग, सो 0.012 और 0.27 का स्क्वायर अलग करा, ऊपर का कैपिटल जी एम ई और नीचे का आर ई का स्क्वायर अलग। ये जो पूरी वैल्यू लिखी हुई है कैपिटल जी एम ई ओवर आर ई स्क्वायर, ये एक्चुअली बराबर होता है स्मॉल जी के, जो कि ऑलरेडी मैंने लिख के भी दिखाया था, रिवर्स करके देख लो वीडियो, जो हमने वैल्यू ऑफ जी लिखी ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ वो इतनी आई थी। बाकी इसको सॉल्व करेंगे अगर नंबर्स को, तो यह आ जाएगा 0.165 × g, यानी g की वैल्यू 9.8 × 1.62 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये है वैल्यू ऑफ g ऑन द सरफेस ऑफ मून। क्वेश्चन नंबर टू का पार्ट 14, एक पंप है उसकी मिनिमम हॉर्स पावर कितनी होनी चाहिए, जो कि हमें चाहिए लिफ्ट करने के लिए पानी को एट अ हाइट ऑफ 2.5 मीटर एट द रेट ऑफ 500 ग्राम पर मिनट। 2.5 मीटर तक लेकर जाना है, और रेट जो गिवन है वो है 500 ग्राम पर मिनट। हाइट तो चलो हमने डायरेक्टली लिख दिया 2.5 मीटर, लेकिन ये जो रेट ऑफ फ्लो है, एक्चुअली क्योंकि हमारे पास फ्लूइड मैकेनिक्स का कोई चैप्टर नहीं है तो हमने रेट ऑफ फ्लो को स्टडी नहीं किया है, तो बहरहाल आप क्या कर सकते हो, आप सिर्फ इसके यूनिट देखो, ग्राम मास का यूनिट है, मिनट टाइम का यूनिट है, तो आप क्या कर सकते हो, ग्राम यानी कि मास यानी कि ऊपर एम आना चाहिए, और नीचे लिखा हुआ है मिनट, मिनट का मतलब नीचे आना चाहिए टी, तो सिंबल आप बना सकते हो इस तरीके से एम अपॉन टी। कुछ नया सिंबल बनाने के बजाय ये, क्योंकि वैसे तो आर से शो करते हैं रेट ऑफ फ्लो को, बट यहाँ पे हम एम अपॉन टी ही लिख देंगे। सो 500 ग्राम पर मिनट के बराबर गिवन है, बट ना ग्राम ऐसा यूनिट है ना मिनट ऐसा यूनिट है। ग्राम से किलोग्राम में जाने के लिए डिवाइड बाई 1000 करेंगे, और फिर मिनट से सेकंड में जाने के लिए डिवाइड बाई 60 कराएंगे। सो 500/60,000 ये हो जाएगा 0.0083 किलोग्राम पर सेकंड। और पावर ऑफ पंप हमें मालूम करनी है, और स्पेशली गिवन है एचपी में मालूम करनी है, तो उसके मार्क्स होंगे। वैसे डेफिनेशन ऑफ पावर है वर्क डन पर यूनिट टाइम। वर्क डन क्या है, वर्क डन है जो भी हम काम कर रहे होंगे, वो जो पंप काम कर रहा होगा पानी को लिफ्ट करने में। अच्छा, पंप क्या काम कर रहा होगा, पंप पानी को एक हाइट पर लेकर जा रहा है, यानी कि पानी को एक एनर्जी दे रहा है। वो कौन सी एनर्जी है जो हाइट पर ले जाने के लिए एनर्जी होती है, वो होती है पोटेंशियल एनर्जी। सो जितनी पोटेंशियल एनर्जी पानी में आएगी
उतना ही वर्क डन किया होगा पंप ने, तो वर्क डन की जगह पे हम लिख सकते हैं mgh, जिसको रीअरेंज कर सकते हैं m upon t अलग, g अलग और h अलग। अब आप डेटा को देखो, m upon t भी गिवन है, h भी गिवन है और g तो हमें पता ही होता है। वैल्यूज पुट करेंगे 0.0083 into 9.8 into h, या जगह 0.204 वाट आंसर आ गया, बट ये वाट में आया है, एच पी में कन्वर्ट करने के लिए एच पी का कांस्टेंट, 1 एच पी में 746 वाट होते हैं, तो डिवाइड करना पड़ेगा इसी 0.204 डिवाइड बाय 746, ये हो जाएगा 2.7 एक्सपोनेंट माइनस 4 एच पी। सो मिनिमम हॉर्स पावर जो हमें रिक्वायर्ड है वो होगी 2.7 एक्सपोनेंट माइनस 4 एच पी। क्वेश्चन नंबर 15, वॉच मेकर यूज कर रहा है मैग्नीफाइंग ग्लास, उसकी फोकल लेंथ है 5 सेंटीमीटर, एक डैमेज स्प्रिंग देखना चाह रहा है एक वॉच का, अगर वो क्लोज कर रहा है क्लोज रख रहा है बहुत ही ज़्यादा आँख के, तो बेस्ट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या होगी, व्हाट इज़ द लीनियर मैग्नीफिकेशन, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता करना है कितना होगा, ऑब्जेक्ट का लेंस से फासला, और दूसरी बात यह कि लीनियर मैग्नीफिकेशन भी मालूम करनी है, और जाहिर सी बात है वो क्लियर देखना चाह रहा होगा, फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट भी फाइन करना है और लीनियर मैग्नीफिकेशन भी फाइन करनी है। सो बात यहाँ पे मैग्नीफाइंग ग्लास या सिंपल माइक्रोस्कोप की हो रही है, जिसके लीनियर मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला सिंपल सा है, 1 प्लस डी ओवर एफ, डी होता है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन और सेंटीमीटर्स के अंदर 25 होता है, सो 25 डिवाइड बाय एफ, फोकल लेंथ हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर, 25 डिवाइड बाय 5 ये हो जाएगा 5 प्लस 1, सो मैग्नीफिकेशन तो आ जाएगी 6। नाउ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता करना है तो उसके लिए इक्वेशन ऑफ जो लेंस इक्वेशन है वही बेस्ट रहेगी, लेंस इक्वेशन इस्तेमाल करते हैं 1/f = 1/p + 1/q, बट क्या हमें क्यू पता है, इमेज कितने फासले बनेगा क्या ये बात हमें पता है, इसको देखना पड़ेगा। देखो मैंने पहले ही बताया कि वो क्लियर देखना चाह रहा है, तो क्लियर विजन के लिए जो इमेज डिस्टेंस होता है वो होता है लीज डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के बराबर, सही, यानी कि क्यू बराबर होता है डी के, जो कि मैंने मैग्नीफाइंग ग्लास सिंपल माइक्रोस्कोप वाले लेक्चर में बात समझाई भी थी। क्लियर विजन के लिए क्यू बराबर होता है, यानी कि इमेज डिस्टेंस होना चाहिए डी के बराबर 25 सेंटीमीटर, बट क्योंकि वर्चुअल इमेज बनता है मैग्नीफाइंग ग्लास से तो वो माइनस में पुट करेंगे, बेस्ट व्यू मिनिमम डिस्टेंस 25 होता है, लेकिन माइनस का साइन आया क्योंकि वर्चुअल इमेज बनेगा, सो 1/p + 1/ प्लस माइनस माइनस 1/p - 1/25, जो कि दूसरे जाके प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/5 + 1/25 एलसीएम लेके 6/25, क्योंकि वैल्यू पी की चाहिए तो रेसिप्रोकल करेंगे 25/6, ये हो जाएगा 4.16 सेंटीमीटर। सो दोनों वैल्यूज आ गई हैं, मैग्नीफिकेशन भी आ गई है 6 और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी आ गया है 4.16 सेंटीमीटर्स।